राधे राधे। आप सभी को भगवान भोलेनाथ के महापर्व सावन माह की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की पोस्ट में रहने के सावन में भोलेनाथ की पूजा करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और साथ ही जानेंगे सावन में शिवलिंग की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। इस बार सावन बहुत ही दुर्लभ संयोग में मनाया जाएगा। सावन की शुरुआत होगी सावन के सोमवार से, उस दिन पहला सावन होगा। भक्तों को भोलेनाथ की असीम कृपा मिलेगी। सनातन धर्म में सावन माह की महिमा का वर्णन किया गया है। ये माह भगवान शिव को समर्पित माना गया है। यही कारण है कि पूरे माह के दौरान भक्त भगवान शिव की आराधना और उनकी भक्ति करते हैं। ये भी माना जाता है कि यदि सावन माह में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाए तो उनकी कृपा बड़ी आसानी से पाई जा सकती है। सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ को बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर को बहुत आसानी और सरलता के साथ प्रसन्न किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को कुछ चीज़ें बेहद पसंद हैं। शिव जी को अगर वो चीज़ें अर्पित करी जाएँ तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी इच्छा पूरी करते हैं। अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत रखने वाले हैं और शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो अपनी पूजा सामग्री में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें और एक बार चेक करें कहीं कोई चीज़ कमी तो नहीं है। यदि कमी है तो तुरंत लाएं सावन से पहले और उसे पूरा कर लें। सावन सोमवार की पूजा के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री और शिव जी की एक तस्वीर, एक छोटा शिवलिंग और पूजा के बर्तन के साथ कुशासन और दही, शुद्ध घी और शहद, साथ में बेलपत्र, भांग और धतूरा, शमी के पत्ते, गाय का दूध, गंगाजल और महादेव के वस्त्र और माता पार्वती के श्रृंगार का सामान और माता पार्वती के वस्त्र, साथ में दही और शक्कर, कपूर, धूप, दीप और रुई, जनेऊ, चंदन और केसर और अक्षत, इत्र, लौंग, छोटी इलायची। अक्षत हमेशा साबुत से खंडित चावल का उपयोग शिव जी की पूजा में ना करें और इसके साथ मौली और रक्षा सूत्र, भस्म, शिव चालीसा और भगवान शिव की आरती की किताब, हवन सामग्री और दान का सामान। इसके साथ में शिव जी के प्रसाद के लिए सामान चाहिए। भगवान शिव को सूजी का हलवा अधिक प्रिय है, ऐसे में आप इससे जुड़ी सामग्री भी खरीद लें। और इसके अलावा मालपुआ, मखाने की खीर, सफ़ेद भरपी, भांग, पंचामृत और लस्सी, इनसे जुड़े सभी सामानों की खरीदारी कर लें। ये वो सामग्री है जो हमें सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए चाहिए। और अब जानते हैं सावन में शिवलिंग की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा हमेशा विधि विधान से की जानी चाहिए, इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शिवलिंग की पूजा के लिए आपका तन और मन दोनों पवित्र होना चाहिए। सावन में शिवलिंग की पूजा करने की विधि शास्त्रों में बताई गई है, उस विधि के अनुसार भगवान के शिवलिंग की पूजा सावन में करें। शिवलिंग की पूजा करने के लिए शिवलिंग को स्नान कराने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर जल हरी पर चढ़ाएं। सबसे पहले शिवलिंग के चारों तरफ बनी जल हरी में जल दाहिनी तरफ से जल चढ़ाएं और सावन में शिवलिंग का पूजा करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए दूध, दही, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का स्नान कराएं। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें उन्हें जल से भी स्नान कराना चाहिए। जैसे कि यदि आप शिवलिंग पर दही से अभिषेक कर रहे हैं तो दही का अभिषेक करने के पास जल से अभिषेक करें और उसके पश्चात फिर दूसरी चीज़ से अभिषेक करें और फिर जल से अभिषेक करें।
इस विध के साथ अभिषेक करें और मान्यता के अनुसार ये स्थान गणपति बप्पा का माना जाता है और हमेशा जलाभिषेक इसी स्थान से शुरू करना चाहिए। जलहरी के बाद इसके बाईं ओर जल चढ़ाएं जहाँ कार्तिकेय का निवास माना गया है। इसके बाद आप शिवलिंग के बीच में जल चढ़ा सकते हैं और अगर आप शिवलिंग की पूजा घर में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा जलाभिषेक बैठकर ही करें। घर में शिवलिंग की पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें तो कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। साथ ही ध्यान रहे कि कभी भी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। इसके साथ शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद उस पर चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद बेलपत्र फूल माला भांग धतूरा आदि चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा के समय उसके आसपास की जगह खाली रखनी चाहिए जिससे जल सीधे ही जलहरी के नीचे एक प्रवाह में बहे। तो इस विधि के साथ आप शिवलिंग की पूजा सावन में कर सकते हैं और इस बात का ध्यान रखें महादेव की पूजा में तुलसी के पत्ते हल्दी केतकी का फूल सिंदूर और शंख नारियल आदि चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें शिव पूजा में वर्जित मानी गई हैं। तो शिवलिंग की पूजा सावन में इस विध के साथ करें और इन चीज़ों को अर्पित ना करें। साथ ही ये सभी सामग्री जो बताई है यदि आपके पास कोई सामग्री कम हो तो सावन शुरू होने से पहले ही ले आएं ताकि पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहने पाए। आप और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोची सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं जिसके चलते पोस्ट बनाते हैं काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ भी क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझेंगे आप साथी और हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण राधे राधे हर हर महा